आमतौर पर ग्रहण को अशुभ काल या दुर्घटनाओं से जोड़कर देखा जाता है। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लग चुका है और अब साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने वाला है। 8 नवंबर को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है, लेकिन ग्रहण को लेकर कई तरह के सवाल और मान्यताएं हैं। जैसे ग्रहण के दौरान क्या कुछ खा सकते हैं, अगर हाँ तो किन चीजों का परहेज रखना है। आज हम आपको बताएंगे कि क्या ग्रहण के वक्त आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं या फिर नहीं। साल के अंत में 15 दिनों के अंदर 2 ग्रहण आपके जीवन पर असर डालने वाले हैं। चंद्र ग्रहण चंद्रमा की वो स्थिति होती है जिसमें उसका कुछ या सारा बिंब पृथ्वी की छाया पड़ने के चलते दिखाई नहीं देता। कभी कभी चंद्रमा पर धरती की छाया आकर्षक लाल रंग की होती है और कई बार ये चंद्रमा को पूरी तरह से ढक लेती है। ज्योतिष आचार्यों के मुताबिक सूर्य ग्रहण की तरह चंद्र ग्रहण का भी व्यापक असर पड़ता है। लेकिन चंद्र ग्रहण के दौरान क्या खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, इसे लेकर समाज में कई तरह की मान्यताएं हैं। कुछ चीजें शरीर के लिए नुकसानदायक होती हैं, वहीं कुछ ग्रहण के दौरान खाना या पीना सुरक्षित होता है। लेकिन ये कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ भी खाने को लेकर विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप ग्रहण के दौरान खा सकते हैं और कुछ जिनके सेवन पर रोक होती है। खासकर गर्भवती महिलाएं, बच्चे और बूढ़े जिनके लिए ज्यादा देर तक भूखा रहना ठीक नहीं होता, वो क्या खा सकते हैं, इसका भी विशेष ध्यान रखें। वैसे तो माना गया है कि ग्रहण के दौरान खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन बुजुर्ग गर्भवती महिलाएं हल्का खाना खा सकती हैं। ये भी कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज खाने को दूषित कर देती हैं, जिससे खाना जहरीला हो जाता है, इसलिए खाना नहीं खाना चाहिए। हालांकि ये रेज कच्ची चीजों को प्रभावित नहीं करती, पका हुआ खाना इससे काफी प्रभावित होता है। ये भी कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान अगर खाना खाते हैं तो इंसान रोगी हो जाते हैं। माना जाता है कि ग्रहण के दौरान सबसे ज्यादा इन रेज का असर पानी पर पड़ता है, इसीलिए सादा पानी नहीं पीना चाहिए। इसकी जगह नारियल का पानी पी सकते हैं या फिर अदरक के पाउडर वाला पानी पी सकते हैं। इसके साथ तुलसी भी डालकर आप पानी पी सकते हैं और पानी को इन किरणों से बचा कर रखा जाता है। चंद्र ग्रहण के दौरान बैक्टीरिया को खत्म करने वाली वातावरण में मौजूद रेज कम हो जाती है और इसीलिए पका हुआ खाना काफी नुकसान देता है। पके हुए खाने को खाने पर मनाही होती है, कहा जाता है इससे आपको बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन कच्ची सब्जियां या फल आप खा सकते हैं, खासकर जो खाना आपको एनर्जी दे वो आप खा सकते हैं। सूखे मेवे खाने की बात भी ग्रहण के दौरान कही गई है। नाशपाती एक ऐसा फल है जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, इसीलिए ग्रहण के दौरान अगर आप कोई फल खाना चाहते हैं या आपको भूख लग रही है तो आप नाशपाती खा सकते हैं। ये शरीर को हानि से बचाता है और आपके शरीर को और एक्टिव करता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए और इस तरह की वीडियोस के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।